बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना, अधिक से अधिक अंक लाना हर छात्र चाहता है और वह चाहता है कि बोर्ड एग्जाम में हम सबसे अच्छा करें, अधिक से अधिक अंक लाएं, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पूरे साल हमें जिस चीज़ का इंतजार रहता है वह रहता है हमारा बोर्ड एग्जाम। हम अपने बोर्ड एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे, कितने मार्क्स लाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें एक दिशा देते हैं कि हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा इन्हें इनके मार्क्स देख करके, अपने द्वारा की हुई मेहनत रिजल्ट देख करके हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए यह प्रेरणा प्रदान करते हैं। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी में कौन सी मिस्टेक्स ना करें। जिस तरह से आप सभी शीशे के सामने खड़े होते हैं और आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और यह कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी आपका मिरर होती है, जो कि एग्जामिनर को यह बताती है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, कितनी मेहनत आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए की है। क्योंकि वहां पर एग्जामिनर आपको ना तो बाई फेस, ना बाई नेम, ना बाई स्कूल, ना बाई रोल नंबर नहीं जानता। वो सिर्फ आपकी कॉपी जो आप एग्जामिनर तक पहुंचा रहे हो उसी कॉपी से आपको जज करता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अपनी कॉपी में आप सभी को आउटशाइन करें और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें, और कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिनसे आप बच करके बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक ले सकते हैं। सबसे पहले जानिए, जब भी आप कभी भी आंसर लिखते हैं तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वर्ड लिमिट। आपको कभी भी वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना। आपको यह ध्यान देना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और कितने वर्ड्स उस मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए बोले गए हैं। अगर वन मार्क का क्वेश्चन है तो आपसे 20-25 वर्ड्स इतने बोले गए हैं, तो इससे ज्यादा लिखने का प्रयास आप बिल्कुल ना करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जिन क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आता है उसे वो अच्छे तरीके से लिख देते हैं, और जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स तो उसमें वो बहुत कम मैटर लिखते हैं, जिससे कि एग्जामिनर आपकी इस ट्रिक को, आपकी इस गलती को पकड़ लेता है कि आप जिस चीज में आ रहा है उसमें आप बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, और जिस क्वेश्चन में आंसर आपको नहीं आ रहा उसमें आपने वर्ड लिमिट तक भी आप नहीं पहुंच पाए। तो हमेशा वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखें, इससे आपका टाइम भी सेव होता है, आप पेपर को प्रॉपर टाइम के अंदर खत्म कर पाते हो, सारी चीजों को आप मैनेज कर लेते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था नोइंग द वर्ड लिमिट। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, आपको अपनी कॉपी में एग्जामिनर का समय बहुत ज्यादा बचाना है। आपको कोशिश ये करनी है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी पर कम से कम टाइम दे, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है कि अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी पर ज्यादा समय व्यतीत कर देगा तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में यह कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कटना बिल्कुल ऑब्वियस हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि आपके मार्क्स अब कटने वाले हैं। तो आप जब भी किसी आंसर को लिखें तो उस आंसर के जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्रक्स वर्ड्स है, उनको जरूर अंडरलाइन करें। इससे एग्जामिनर का समय बचता है और एग्जामिनर आपकी कॉपी पर बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वह यह है, आप जब भी आंसर्स को लिखें तो आंसर्स के बीच में आप स्पेस लिखें। मतलब कहने का मतलब यह है, जब आपने किसी आंसर को कंप्लीट किया तो अब नेक्स्ट आंसर को हमेशा 1 या 2 लाइन का स्पेस छोड़ करके आप शुरू करें। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, लेकिन वह गलती यह करते हैं कि स्पेसिफाई ही नहीं करते, मतलब वह डिफरेंस ही नहीं छोड़ते। तो यह काम आपको नहीं करना है। आप जब भी आंसर को लिखेंगे तो उस आंसर के बीच में एक आंसर खत्म हो रहा है, अगले आंसर को स्टार्ट करने के लिए आप स्पेस जरूर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर यह समझ पाता है कि हाँ, अब आपने नेक्स्ट आंसर लिखा है, और उसका बहुत सारा टाइम आपकी कॉपी से बचता है। अब बात आती है कि हर आदमी चाहता है बोर्ड एग्जाम में कि उसका आंसर सबसे बेस्ट हो, वो सबसे अच्छा लिखे, लेकिन ओवरराइटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे साथ हो जाती है। कई बार हम आंसर लिखते लिखते कुछ गलत कर देते हैं और उसको बहुत गलत तरीके से काटते हैं, या फिर हम टेक्स्ट के ऊपर ओवरराइटिंग करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके आंसर में अब नीटनेस और क्लियरिटी नहीं है, तो आप व्हाइटनर का यूज करें। जहां पर आपने गलती की वहां पर व्हाइटनर लगा करके अब आगे बढ़ जाइए। इससे एग्जामिनर पता चलेगा कि हाँ, आपसे
जल्दबाजी में या फिर एग्जाम के प्रेशर कारण गलती हुई, लेकिन आपने अपनी गलती को बहुत सही तरीके से ओवरकम करके अब आप आगे बढ़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर लिखा है। तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो जाता है तो व्हाइटनर्स का यूज करें या सिंपल सा कट मार्क लगा करके आगे बढ़ जाएं। अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, खासकर ये चीजें उन पेपर्स में काम आती है जिसमें आप डायग्राम और डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन करते हैं, यानी कि आपको जिसमें डिफरेंस के लिए बोला जाता है आप वहां पर पेन का यूज करते हैं। नहीं, आपको डायग्राम के लिए, लेबलिंग के लिए हमेशा पेंसिल, शार्प HB पेंसिल का यूज करना चाहिए। इससे जो डायग्राम्स होते हैं आपके बहुत अच्छे बनते हैं, और अगर आप पेन का यूज करते हैं तो वो आपके पेज के पीछे भी छप जाते हैं, तो जो आप पीछे मैटर लिखोगे उसके वो अभी एग्जामिनर को नहीं दिखता। इसीलिए डायग्राम के लिए आपको हमेशा पेंसिल का यूज करना है, और डिफरेंशिएशन के जब आप क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप स्केल से लाइनिंग जरूर बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको ज्यादा ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगली बात आती है कि यूज पेज मार्जिन। दोस्तों बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो एग्जाम में पेज मार्जिन नहीं बनाते, या अगर आपकी कॉपी सादी मिलती है आपको जिसमें पेज मार्जिन नहीं दी हुई है, तो आपका यह कर्तव्य है कि आप उसमें पेज मार्जिन ड्रॉ करें। इससे होता क्या है कि पेज मार्जिन से आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आप क्लियरली चीजों को लिख पाते हो। जब आप पेज मार्जिन बनाते हो तो आपके पास बहुत कम स्पेस बनता है और आपका जो मैटर होता है बहुत ज्यादा भी लगता है। ऐसा लगता है कि आपने कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास किया है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव क्वालिटी हो जाती है कि ये आपको उसमें बेनिफिट करेगी जिसमें आपको आंसर बहुत कम आ रहा है, जिसमें आप आंसर थोड़े चूक रहे हो, तो आप कम स्पेस आपके पास बचेगा तो आप ज्यादा मैटर आपका लगता है देखने में। तो इसलिए पेज मार्जिन आपको यूज करनी होती है, पेज मार्जिन जरूर बनाए कीजिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आंसर्स बहुत अच्छे आते हैं, वो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, लेकिन पेज मार्जिन यूज नहीं करते, स्पेस उनके पास ज्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं वो मैटर को पूरा नहीं कर पाते। आपकी कॉपी है, उस कॉपी को प्रॉपर यूटिलाइज करिए। दोस्तों यही कुछ बेसिक टिप्स थे जो एग्जामिनेशन में आपको सफल बनाएंगे और एग्जाम में आप सबसे अच्छा करके आएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।